यमुनानगर में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक युवक ने लोगों की डर की वजह से पश्चिम यमुना नहर के अंदर छलांग लगा दी और दूसरी ही तरफ पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर उस युवक की जान को बचाया। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको यमुनानगर के हमीदा के पास पश्चिम यमुना नहर से दिखा रही हूँ। पुलिस ने बिना किसी गोताखोर की मदद के खुद नहर के अंदर रेस्क्यू कर उस युवक की जान को बचाया। तो आखिरकार युवक के नहर के अंदर कूदने की वजह क्या रही होगी, तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। दोस्तों अपील, इस खबर को शेयर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। युवक की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रही हूं। 25 से 26 साल की उम्र है इस युवक की, जिसका नाम उमा शंकर है और जो पंजाब के शहर लुधियाना की ओर रवाना हो रहा था, लेकिन लोगों के डर की वजह से कहीं ना कहीं इस युवक को ऐसा लगा कि लोग उसे गलत नजर से देख रहे हैं, तो इसी वजह के चलते वो लुधियाना जाने की बजाय पश्चिम यमुना नहर में आ जाता है और डर की वजह से नहर के अंदर छलांग लगा देता है। कंट्रोल रूम से जैसे ही गुरदयाल चौकी इंचार्ज के संज्ञान में यह मामला आता है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर पश्चिम यमुना नहर में बिना किसी गोताखोर की मदद के किस तरह से खुद अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू करते हैं और इस नौजवान साथी को नहर से बाहर निकालने में सफलता हासिल करते हैं। युवक इस समय बहुत ही ज्यादा सहमा हुआ है, डरा हुआ है और पता लग रहा है कि ये जो लड़का है ये कहीं ना कहीं मंद बुद्धि भी है, तो डर की वजह से कोई किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है या सुसाइड कर सकता है। मंद बुद्धि है तो शायद यही वजह रही है उसकी नहर के अंदर छलांग लगाने की। मौके पर हमीदा चौकी इंचार्ज गुरदयाल अपनी टीम के साथ यहाँ पर इस कार्यवाही को करते नजर आ रहे हैं। गुरदयाल हमारे साथ जुड़े हैं, मैं पूरा मामला गुरदयाल जी से जरूर जानना चाहूंगी कि आखिरकार ऐसा क्या डर था जिस कारण इस लड़के ने नहर के अंदर सुसाइड करने की कोशिश की है। गुरदयाल हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल इस युवक के चेहरे को आप लोग गौर से देखें, ये वही युवक है जो पीछे से उत्तर प्रदेश बिहार का रहने वाला है, लेकिन किस तरह से पंजाब के शहर लुधियाना में ये जा रहा था और उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये युवक किस तरह से यमुनानगर की धरती पर पहुंचा और यमुनानगर में जैसे ही रेलवे स्टेशन से या बस से लुधियाना जाने की बजाय किस तरह से ये यहाँ पर नहर के किनारे पुल पर आता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। एक बार गुरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं और उसके बाद उस लड़के से भी बातचीत करने का प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल लड़का कुछ भी बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन गुरदयाल जी जो हैं वो हमें पूरा मामला जरूर बताएंगे। गुरदयाल सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर जान पर खेलकर एक ऐसे लड़के को नहर से बचाया जो डर की वजह से नहर में कूद गया, क्या है पूरा मामला जरूर बताएं। आज हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी, किसी एक लेडीज ने फोन किया था कंट्रोल रूम में कि एक व्यक्ति नहर के अंदर छलांग लगा गया है। तो जैसे ही इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई तो हमने तुरंत ड्यूटी अफसर एचसी परमवीर और उसके स्टाफ को मौके पर भेजा। तो एचसी परमवीर ने हमारे परमवीर हवलदार ने इनको बहादुरी का परिचय देते हुए अपने साथियों की इमदाद से इस लड़के को नहर से निकाला है। ये डरा हुआ था और इसके सामने जो भीड़ खड़ी हुई थी उस भीड़ से डरता हुआ ये पानी के बीच में और जा रहा था कि तो पहले तो उस भीड़ को हटाया गया और जब भीड़ को हटाने के बाद फिर इसको अंदर जा करके परमवीर ने और हमारे जवानों ने मिलकर के इसको नहर से बाहर निकाला है। बाहर निकाल से इसे बातचीत की है। ये हल्का सा मंदबुद्धि लड़का है, इतनी ये मुजफ्फरपुर बिहार से काम के सिलसिले में यहाँ लुधियाना में जा रहा था और इसकी ट्रेन सहारनपुर में इसकी ट्रेन छूट गई। दो तीन दिन से ही जैसे ट्रेन बंद थी तो वहाँ से पैदल होते हुए पटरी के किनारे से आगे लुधियाना की तरफ जा रहा था। यहाँ पर आकर के ये घबरा कर कैसे नहर में गया है ये तो इसके बात सामने है, तो इसको बाहर निकाला है। अभी इससे नंबर लिया है इसके परिवार वालों का, इसके चाचा से हमारी बात हो गई है और यहाँ से हम लोकल किसी का एनजीओ का किसी का बंदोबस्त करके इसको उसके घर भिजवाने का काम करेंगे जी। तो गुरदयाल जी पूछताछ में पता चला कि डर किस बात को लेकर था इस लड़के को? ये भीड़ को देख के डर गया कि कहीं भीड़ मेरे पीछे लगी हुई है। इसके मन में ये था कि भीड़ मेरे पीछे लगी, उससे भीड़ से बचने के लिए इसके मन में कैसा डर आया कि मुझे कहीं चोरी के समझ के मेरे पीछे तो नहीं लगी भीड़ ये, तो एकदम इसने नहर के अंदर छलांग लगाई और उसी की सूचना हमारे पास कंट्रोल रूम में दी गई और कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त करके हमारे ईआरवी और हमारे ड्यूटी अफसर परमवीर इन्होंने तो पता चला कि लड़का लुधियाना में क्या करने के लिए जा रहा था? मजदूरी के लिए अकेला ही था, कोई और भी था? नहीं, अकेला है। शिकायत किसके द्वारा दी गई थी? ये तो कंट्रोल रूम में फोन किया था, वहाँ से किसी से संदिग्ध ने लेडीज ने फोन किया था कंट्रोल रूम में, वहाँ से फिर हमारी टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची। पता चल रहा है कि लड़का मंदबुद्धि है, क्या आपको देखने में ऐसा लगा? जी जी, थोड़ा थोड़ा है, ये डरा हुआ भी है, थोड़ा मंदबुद्धि टाइप भी है जी, अभी बात है। इसने लेकिन इसने अपने परिवार का अपना नाम पता पूरा हमें बता दिया है। इसके चाचा जी से हमारी बात हो गई है, उनसे बात करके तो दोबारा थोड़ी देर में इसके पिताजी से हमारी बात कराएगा, फिर हम इसको इसके यहाँ जाएंगे। एक और बात, बिना किसी गोताखोर की मदद के रेस्क्यू किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, इसका सारा श्रेय हमारे परमवीर जी को जाता है, इन्होंने बड़ी। जी जी,
हमीदा चौकी से मैं वो मुलाजम आपको दिखा रही हूँ जिसने आज अपनी जान पर खेल कर, जी हाँ, अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना किसी गोताखोर की मदद के इस लड़के की जान को बचाने में कामयाबी हासिल की है। ये वही परमवीर मुलाजम है, एक बार जान लेते हैं। परमवीर जी, आपके संज्ञान में कैसा कितने बजे मामला आता है और कितनी देर में आप यहाँ पर नहर के किनारे पहुँच कर इस युवक की जान को बचाते हैं? हाँ, सुबह 9:30 बजे इंचार्ज साहब का मुझे फ़ोन आया कि भाई एक जो लड़का है कोई यमुना नहर में कूद गया है और आप मौके पहुँच के पहुँचो ज़रा जल्दी। मैं वहाँ मौके पर पहुँचा और वहाँ पे मैंने अपना फायर ब्रिगेड वाले थे वहाँ खड़े, उनकी इमदाद से और खुद इस लड़के को, ये पेड़ के पास अटका पड़ा था, वहाँ से इसको निकाला है बाहर। तो लड़का मतलब नहर के अंदर ही था उस समय अंदर ही था ये। जी, तो क्या लगता है अगर थोड़ा सा और अंदर जाता, जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, इसकी जान भी जा सकती थी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमवीर जी। तमाम मैं इस समय की बड़ी खबर आपको यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक युवक जो पंजाब के शहर लुधियाना की ओर रवाना हो रहा था, लेकिन लोगों के डर की वजह से वो पता नहीं किस तरह से पश्चिम यमुना नहर के पास पहुँचता है और लोगों की यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा होता देख कर नहर के अंदर कूद जाता है। और जैसे ही हमीदा चौकी के इंचार्ज गुरदयाल और उनके जो बाकी टीम है उनके संज्ञान में ये मामला आता है, मौके पर तुरंत यहाँ पर पहुँच कर बड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जी हाँ, बिना किसी गोताखोर की मदद के परमवीर वो मुलाजम है जिसने नहर के अंदर छलांग लगा दी और उसके बाद रेस्क्यू के चलते किस तरह से उस युवक की जान को बचाया। युवक बात करने की हालत में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन पुलिस के द्वारा आज एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है और इस तरह की कार्यवाही के चलते पुलिस को आज दिल से सल्यूट है कि पुलिस किस तरह से लोगों की दिन रात मदद करते नजर आ रही है। और आज ये कहावत सही मायने में हमीदा चौकी के इंचार्ज गुरदयाल और उनके मुलाजम परमवीर जो हेड कांस्टेबल है उनके द्वारा अमल में लाई गई है। तो दोस्तों, अपील इस खबर को शेयर करें क्योंकि पुलिस के द्वारा उठाया गया या किया गया ये जो प्रयास है ये सराहनीय साबित हुआ है, काबिले तारीफ साबित हुआ है। तो इसके लिए अल्फाज नहीं है जो हम आप लोगों के सामने बयां कर सके। तो दोस्तों, अपील इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के हमीदा से मनदीप कर की रिपोर्ट।